आज हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो है देवी। मुझे पूरा नाम नहीं याद होता तो मैं इसको देवी के नाम से बुलाता हूँ। और ये हैदराबाद से मेनली। हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि जब से ये आई है कनाडा के अंदर तो कैसा इसका एकोमोडेशन है, इसके एक्सपेंसेस क्या कैसे हैं, क्या हैं और कहाँ पर ये जॉब कर रही है और आगे फ्यूचर का क्या है। हेलो भैया, हाय गाइस। तो मेरा नाम है गायत्री देवी। तो ज़्यादातर मैं देवी नाम प्रिफर करती हूँ ताकि सबको इजी रहे बोलना बुलाने में और याद करने में। और मैं जो हूँ साउथ इंडिया से हूँ, तेलुगु फैमिली से। और थोड़ा मेरा जो हिंदी है थोड़ा मिक्स एंड मैच होगी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखना कि इसकी हिंदी कैसी है या मिक्स कर रही है इंग्लिश वर्ड्स को। हो सकता है क्योंकि मुझे भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी हिंदी ही अच्छे से आती है। मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती। तो ठीक है, थोड़ा फंस गया। सा पॉजिटिव रहेंगे और चलिए चालू करते हैं। पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ भैया, क्योंकि मुझे मैं जो एक्सपीरियंस करी थी अब तक, मैं 7 महीने हो रहे हैं यहाँ पे आके, तो जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म मिली थी। थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एक्चुअली मेरा नहीं, मैं सारी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं। लाइक तुम भी, आप लोग भी आए थे और भी पहले और भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको एक हेल्प हो जाती है, उनको एक सिनेरियो पता लग जाता है यहाँ पर कैसा कब क्या चल रहा है। जरूर भैया, तो उसके लिए ये वीडियो बनती है। तो थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर एक्चुअली जो यहाँ तक इस चैनल को लेकर आए हैं। तो कौन से इनटेक में आए थे, कौन सा कोर्स है आपका, वो सब। मैं जो आई हूँ जनवरी इनटेक के लिए, तो दिसंबर एंडिंग में आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने आई हूँ सू कॉलेज में, तो 1 साल की कोर्स है वो। और इंडिया में आपने क्या करा था, मतलब इसी कोर्स से रिलेटेड करा था या बिल्कुल ही आपकी डिफरेंट फील्ड हो गई है, वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो बैक इन इंडिया मैंने जो 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी कर चुकी हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके बाद थोड़ी सिचुएशंस की वजह से मुझे कस्टमर सर्विस ज्वाइन करना पड़ा है। तो वहाँ पे 4 साल की एक्सपीरियंस है मेरी, तो मैं बेसिक लेवल एम्प्लॉय से ज्वाइन हो चुकी हूँ वहाँ पे। और 1 ही साल में मुझे सुपरवाइज़र की एक अच्छी चांस मिली थी, तो मैं मेरा स्किल्स प्रेजेंट करने और प्रूव करने के लिए अच्छी मेहनत करके वो लाई थी मैं। तो बाकी के 3 साल पूरा सुपरवाइजर की पोजीशन में थी, तो तभी मुझे पता चला कि एचआर या बिजनेस मैनेजमेंट के पास अदर साइड ऑफ द टेबल अच्छा फ्यूचर होगा, करियर ग्रोथ होगा बोल के पता चला। तो वहाँ से मैं इंस्पिरेशन ला चुकी हूँ और मैं जब मेरी प्रोसेस शुरू कर चुकी हूँ कैनेडा आने के लिए, तो मुझे सप्लाई चेन का मिली थी, तो मैं सप्लाई चेन में ज्वाइन हो चुकी हूँ जनवरी इनटेक के लिए, तो इसीलिए मैं दिसंबर में आना था। लेकिन देवी ने मुझे पहले बताया था बीच में, अभी इसने बोला नहीं है। तो इसने अप्लाई करा था पहले यूके के लिए, फिर वहाँ पर कुछ सीन हो गया था, फिर अब ये कनाडा का। इसने कुछ था ऐसा, वो क्या था। हाँ, तो ये वो है कि मुझे यूके में पहले ऑफर ऑफर लेटर भी आ चुकी है 2 साल की ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट की, लेकिन ये जो है वहाँ पे सिर्फ 15 डेज की टाइम दिया हुआ है और 5 लाख भरना है मुझे फीस। तो वो टाइम ऐसा चल रहा था मेरा कि मेरा भाई भी यूएस में है, तो उसी उसी के अकाउंट में थोड़ा मनी कुछ ब्लॉक हो चुकी है, तो अब मैं भरना बोले तो वहाँ से आना चाहिए। तो उसका इंटरव्यू भी वही टाइम पे है, मेरा डेडलाइन भी वही टाइम पे है, तो ऐसा कुछ यूके की चांस चले गई थी। तो मैं सोची तो चलो ठीक है, भगवान जो भी करा तो मेरे भलाई के लिए कराया, शायद मेरे लिए कनाडा ही अच्छा है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ओके तो जो अभी आप प्रेजेंट की जो जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, या जो भी आपकी वर्क और स्टूडेंट लाइफ है, अब पूरे 7 महीने हो चुके हैं, तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सेटल हो गई होगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात बताएं। तो पहले मैं जो शुरू करना है तो मैं शुरू करूंगी कि कब सू में आई थी, द डे व्हेन आई वाज हियर, आज तक क्या हुआ। तो पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि एकोमोडेशन के बारे में। तो एकोमोडेशन ऐसी है, मैं यहाँ पे आने के पहले ही आने से पहले ही मैं तो थोड़ी ग्रुप्स में ज्वाइन हो चुकी हूँ जो सूस एंड मेरी के बारे में बताते हैं एकोमोडेशन के बारे में, लेकिन मुझे सुनने में आया कि जब तक मैं लाइवली यहाँ पे हूँ, देखे बिना देखे या बिना यहाँ पे पहुँच के,
प्लीज डोंट पे द रेंट बोल के वैसे कुछ सुने सुने में आया था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आने के बाद पूरा खोज के ग्रुप्स में ज्वाइन होके और सब लोगों की मदद से मैं थोड़ा अच्छे एकोमोडेशन में फिट हो चुकी हूँ अब तक तो। और जॉब्स के बारे में बात करना है तो हाँ, ऐसे में जो आई विंटर इनटेक के लिए तो फुल्ली कवर्ड विथ स्नो है, तो ज़्यादातर बिजनेसेस नहीं चल रहा था, बोले कि जो भी है उन लोगों के लिए ही बहुत दिक्कत आ रही है, या बस है अभी तक तो, इनफ इनफ स्टाफ वी हैव एंड वी डोंट वॉन्ट टू हायर मोर पीपल और न्यू पीपल, तो ये बोले ज़्यादातर सुने आया था। और मुझे जॉब में लगने के लिए लगभग 3 महीने हुआ था अच्छा टाइम, तो मेरे दोस्त भी हैं तो उन लोगों को एटलीस्ट 4 या 5 मंथ्स भी हुआ था, लेकिन फाइनली वी विल गेट जॉब बाय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो आपकी अभी तक 7 महीने यहाँ पर हो गए हैं, राइट? तो अभी तक जॉब का क्या स्टेटस है? आप अभी तक कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सिटी के अंदर, और एज अ गर्ल लाइक तुम्हें सेफ्टी वाइज कैसी लगती है पूरी सिटी? तो पहले मैं जॉब के बारे में कुछ बताना हो तो मैं तो स्ट्रगल करी थी पहले आने के बाद, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन हाँ मुझे तो थोड़ा जल्दी मिल गई है। और मैं एक कंपनी में कस्टमर सर्विस में काम करती हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब जॉब है मेरी 1 ईयर की, तो अब वो तो सिक्योर है और एकोमोडेशन भी ठीक है सब कुछ। सिटी में हाँ आपको अभी तक जो क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कैसी सिटी है, फ्रेंडली है, लोग यहाँ के कैसे हैं, वो सब? तो जहाँ तक मैं देखी, मैं जो एक्सपीरियंस करी थी, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे तो बहुत 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 फ्रेंडली है, वो लोकल्स है या दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरी तरह दूसरे कंट्रीज से आते हैं, वो है जो भी है वो तो सब, हर एक लाइक हर एक इंसान तो बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे लोकल्स से मिलके। तो मैं ये चीज़ पता, लाइक व्हेन आई वाज न्यू टू सू, आई थॉट इतना छोटा सा गांव है तो मैं रह नहीं पाऊंगी, कि शायद पता नहीं क्या होगा, मुझे तो मन नहीं है बिल्कुल मुझे यहाँ पे न रहने का, मैं कितना जल्दी हो सकता है वो उतना जल्दी मैं यहाँ से जल्दी जल्दी स्टडीज 1 साल की कंप्लीट करूँ और निकल जाऊँ सिटी में। मेरे को जाना तो अब पड़ेगा। मैं जो 7 7 मंथ्स की एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, मुझे ये बहुत क्लोज टू नेचर है ये प्लेस पहले, और बहुत पीसफुल है, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है ये तो सही है इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर भी यहीं पे कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ, प्यारी, समझ गई। वो जो भी है। तो बहुत लाइक सेफ्टी वाइज बताना है तो भैया ये तो क्राइम रेट्स में वो सब बहुत कम है, बहुत लोअर स्टैंडर्ड से इसमें क्राइम है इसमें में। तो गर्ल सेफ्टी तो कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत पीसफुल और प्लेजेंट प्लेस है, बहुत सिक्योर है, लाइक होमली फील आएगा मुझे, तो अच्छा ठीक बहुत पसंद आ गया मुझे ये जगह, मुझे छोड़ना नहीं है। है। अदर साइड ऑफ द सेफ्टी अगर मुझे बात करनी हो तो ये जो सिटी है ये तो छोटा सा सिटी है और ज़्यादा पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो खतरा भी नहीं है लेकिन पूरा नहीं है बोल के बोल नहीं सकती हूँ, थोड़ा कुछ है ऐसे कुछ ना, आफ्टर 9 PM जाने जाना नहीं है, थोड़े प्लेसेस ऐसे है कि थोड़ा वहाँ पे जंकीज रहते हैं, बुलाते हैं जंकीज यहाँ पे, तो वैसे कुछ है तो ठीक है, अगर कुछ भी जान सकते हो कुछ भी, मैं कुछ भी हुआ तो मैं इनके, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं लेकिन अगर सब कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल मेरे लैंडलॉर्ड या मेरे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कॉलेज से या मेरी सीनियर्स और एल्डर्स फ्रेंड्स सब कुछ, सब हर जन है कि मैं उन लोगों के हेल्प साथ ले हेल्प रहे। ले तो सकती। जो मेन बात है, ठीक है, हमें 7 महीने हो गए, अभी इसके बाद वर्क परमिट या फिर अगला कोई कोर्स लेना है, तो अपनी जो इंडिया का जो कल्चर था, जो पूरी कंट्री थी, उसकी याद आती है। और दूसरा इसी में ही एक और क्वेश्चन है, अगर आपको 1 साल का कोर्स और करना है अभी, तो इस सिटी में ही रहकर करोगे या फिर कहीं मूव होने का सोचा? तो पहली बात मैं तो कंट्री को बहुत मिस करूंगी और फैमिली को भी हाँ ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो परसों में हमारा एक फेस्टिवल हुआ था बोनालू बोल के, तो अच्छा बहुत कुछ वाइब्स आ रही थी, बहुत देख रही हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब में, तो बहुत मिस तो करती हूँ और मम्मी की याद तो हमेशा आती है। एंड व्हेन कमिंग बैक अगेन टू द फ्यूचर प्लान, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ये 1 साल की कोर्स है और ये 1 साल के कोर्स से मेरा +1 वर्क परमिट आ रहा है, तो अब एज पर टुडेज न्यूज़ मुझे ये
थोड़ा जानने में आया कि यूएस में थोड़ा रिसेशंस हो रहे हैं और जॉब मार्केट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं उतना ज्यादा जानती हूँ नहीं, लेकिन आज का तो हाल उतना अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। तो दूसरा सेकेंड ईयर भी पढ़ाई से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और सेकेंड कोर्स ये भी मैं ह्यूमन रिसोर्सेस लेना चाहती हूँ। और ये भी क्यों पर्टिकुलर बोले तो, मुझे एज आई टोल्ड बिफोर कि मुझे बिजनेस साइड जाननी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो इसीलिए सेकेंड कोर्स लेना चाहती हूँ, और वो भी आफ्टर वेरी बिग स्ट्रगल इन माई माइंड वेदर टू स्टे बैक हियर और टू मूव टू अदर सिटी। मैं ये डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे ही रुकूंगी और यहाँ पे ही सेकेंड ईयर की कोर्स पढ़ के कंटिन्यू कंटिन्यू करना है। तो करती हूँ। पहले तुम आप जो थे उसमें सू कॉलेज में थे, अब सू कॉलेज में ही कंटिन्यू कर रहे हो या फिर कहीं और? तो मुझे था सू कॉलेज में ही कंटिन्यू करने का, लेकिन माय बैड, वहाँ पे 2 साल की कोर्स है HR की, तो 1 साल की है नहीं, तो मैं सोची अलगोमे यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करूँ, तो वहाँ पे प्लान कर रही हूँ, एंड आई वुड लाइक टू मूव कंटिन्यू माई सेकेंड ईयर स्टडीज विद अलगोमा यूनिवर्सिटी। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और पूछते हैं कि एकोमोडेशन कैसे मिली थी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और हर सेकेंड स्टूडेंट का एकोमोडेशन और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे से ज़्यादा अच्छे ये बता पाएंगी। और दूसरा, इनका जो मंथली एक्सपेंस है एज ए स्टूडेंट, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो कितना है अभी तक मंथ, हर मंथ का? तो चलिए। अब मंथली एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बात करना हो तो मैं बोलती हूँ, उसमें इंक्लूडेड है अकोमोडेशन, फूड, और उससे ज़्यादा थोड़ा कुछ सा मिसलेनियस खर्चा। इमरजेंसी या मिसलेनियस खर्चे हो सकता है तो वो। तो मुझे तो अब तक महीने के लिए अकोमोडेशन को लगभग 4 या 4.50 तक होता है, और ग्रोसरीज फूड के लिए कुछ बारे में बात करना है तो 150 से 250 के बीच में ही रखती हूँ, क्योंकि भैया ये है कि मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हर एक मैनेज करनी है, होमवर्क, पार्ट टाइम वर्क एंड कॉलेज वर्क, तो ये तीन मैनेजमेंट करने में उतना खा नहीं जा पाता है और बना नहीं पाता है। तो अगर फूड के बारे में कुछ बात करना है तो हाँ, मैं तो 150 से 250 से बीच में लगाती हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो और मिसलिनियस है या इमरजेंस ऐसी कुछ है, खर्चा आ गया अब करना है, तो पूरा अराउंड मेरा मंथली एक्सपेंसेस तो 800 या 900 के आगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, 800 से 900 डॉलर हर महीने का हाँ, सिंगल स्टूडेंट का। सिंगल स्टूडेंट का। मतलब अभी ये जो 800 से 900 जो डॉलर बता रहे हैं, ये बिल्कुल अभी प्रेजेंट में, क्योंकि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जब हम लोग आए थे तब ऐसे ही, जैसे मैं और लवलीन थे, हम दो लोगों का इतना आता था मंथ का। तो अभी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, एकोमोडेशन बहुत महंगे हो गए हैं। तो आप इतना अपने दिमाग में लगाकर चलो कि हाँ, 800 से 900 के बीच में आपका खर्चा आ सकता है। और अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, तो कैसे मिली थी, कहाँ से, क्या था पूरा? तो एकोमोडेशन के लिए कुछ बात करना है तो मुझे तो इंडियन सिंस सुसन मेरी बोल के एक पेज है हर्षिंग का, तो वही पेज से मुझे मिला था है ढूंढ के, तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू फुलफिल देयर अचीवमेंट्स एंड गोल्स इन कैनेडा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस भैया। एंड मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को ग्रोसरीज में कुछ या एकोमोडेशन के लिए कुछ टेंशन लेना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम वेट करिए तो उसका तो यू विल गेट अ गुड फिट। एंड फूड के लिए, ग्रोसरीज के लिए कुछ बात करना है तो वो तो कॉलेज से हमारे एवरी वीक ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उससे ले सकते हैं। तो ये तो छोटी सी टिप्स है, ऐसे कुछ फॉलो करो तो को आपका खर्चा बहुत कुछ सेव कर सकते हो। तो हर हफ्ते सू कॉलेज में कुछ ग्रॉसरी की आइटम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपको अपना बस कार्ड दिखाना होता है एंड यू विल गेट द ग्रॉसरी। तो चाबी कहाँ है? वैसे मैं सारे पॉइंट यहाँ पर ले चुका हूँ जो भी एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट के होते हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो देवी को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड शी विल रिप्लाई यू बैक जब भी टाइम होगा। थोड़ा जल्दी दे देगी, हमसे तो जल्दी दे देगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट कर देता हूँ कई बार रिप्लाई करने में। तो अपना जो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है उसका बता दो। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चिटी इन कैनेडा, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन इट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।
एंड दिस इज ओनली नॉट फॉर दिस एंड लाइक ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. एनी वन कैन मैसेज मी हु आर कमिंग टू कैनेडा सुसेंट मेरी एंड आई कैन हेल्प यू एज आई कैन डू.